और जैसा कि आप देख सकते हैं काफी बड़ी चट्टान है ये, जिसके अंदर से ये सुरंग नुमा रास्ता बनाया गया है ऊपर की तरफ जाने के लिए। ये देखिए यहाँ ऊपर की तरफ कुछ शैल चित्र दिखाई दे रहे हैं जिनमें जानवरों की आकृति बनी हुई है। माना जाता है कि इन पत्थरों पर बने इन चित्रों में दिखाए गए देवी देवता बलराम, वासुदेव और देवी एकनामशा हैं। दोस्तों आज हम जिस जगह पर आए हुए हैं ये काफी ऐतिहासिक जगह है और भगवत पुराण में भी इस जगह का उल्लेख किया गया है। ये देखिए कुछ इस तरह का बड़ा सा शेल्टर है जिसके अंदर काफी सारी मात्रा में शैल चित्र मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बड़ी सी चट्टान के नीचे काफी बड़ा चक्र बना हुआ है जो किसी चक्रव्यूह के समान दिखाई देता है। तो दोस्तों निकल चुके हैं फिर एक बार आपके लिए एक और नए वीडियो की तलाश में, और ग्वालियर से आगे बढ़ते हुए फिलहाल पहुंच चुके हैं ग्वालियर से शिवपुरी जाने वाले हाईवे पर, और यहाँ पर हमें रास्ते में काफी सारे ऊंट देखने को मिले हैं जो कि काफी लंबी दूरी तय करके यहाँ तक आए हैं। तो दोस्तों घाटी गांव और पनिहार को क्रॉस करने के बाद अभी हम पहुंच चुके हैं मोहना, जो कि ग्वालियर से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर है, और ये है यहाँ की मार्केट, और इस मार्केट को क्रॉस करते ही मिलेगी पार्वती नदी, और पार्वती नदी को क्रॉस करते ही यहाँ से राइट में रास्ता जाता है टिकला गांव की तरफ, और सामने जो पहाड़ आप देख रहे हैं इसी के ऊपर वो जगह है जहाँ पर आज हम जाने वाले हैं। तो टिकला गांव में एंटर करके कुछ दूर सीधा आने के बाद यहाँ से लेफ्ट टर्न लेना है, और यहाँ तक आने का रास्ता भी पक्का है तो आसानी से आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है सभी का हमारे आज के इस वीडियो में, और हमेशा की तरह एक बार फिर निकले हैं आपके लिए एक और नए वीडियो की तलाश में, और आज हम आए हुए हैं ग्वालियर से लगभग 60 किलोमीटर दूर मोहना के पास एक गांव है टिकुला। वहां पर पहाड़ी पर एक प्राचीन मंदिर मौजूद है, और उस मंदिर के आसपास कुछ प्राचीन कुछ ऐतिहासिक चीज़ें भी हमको मिल सकती हैं। इस जगह के बारे में हमने गूगल मैप पर देखा था और उसमें दिखाया था इस जगह के बारे में, तो चलकर देखते हैं वहां पर क्या कुछ खास जानकारी हमको मिलने वाली है और क्या क्या वहां पर हमको देखने को मिलेगा, तो बताएंगे आपको वीडियो के माध्यम से। वीडियो बने रहें, वीडियो को लाइक कर दीजिए शुरू में ही, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों इस गांव में एंटर करने के बाद यहां पर एक सरकारी स्कूल है शासकीय प्राथमिक विद्यालय टिकुला, जो कि एक संकुल केंद्र है, और यहां पर आने के बाद हमें ये भाई साहब मिले हैं जिन्होंने हमें बताया कि यहां पर आने वाले छात्रों के लिए पानी पीने की भी व्यवस्था नहीं है। ये एक हैंडपंप है यहाँ पर, वो भी कई महीनों से खराब पड़ा हुआ है, तो एक गुजारिश है अगर ये वीडियो किसी प्रशासनिक अधिकारी तक पहुंचता है तो थोड़ा सा ध्यान इस ओर भी दिया जाए और यहाँ पर पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था कराई जाए। तो यहाँ पर जो स्कूल है सरकारी उसी के अंदर से एक यहाँ पर एक पीछे बड़ा सा गेट यहाँ पर बना हुआ है जिसके अंदर से रास्ता है उस मंदिर तक पहुंचने का, और कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये सीढ़ियाँ बनाई गई हैं पत्थरों से जो कि ऊपर उस पहाड़ी के ऊपर जो मंदिर है वहाँ तक पहुँचती हैं, और वो सामने जो देख रहे हैं आप वो है वो मंदिर जहाँ पर अभी हम जाने वाले हैं। तो चलिए चलकर देखते हैं और वहाँ जाकर दिखाते हैं आपको क्या क्या खास हमको मिलने वाला है, बने रहें वीडियो में। तो उस मंदिर तक पहुंचने वाली आधी से ज्यादा सीढ़ी हम चढ़ चुके हैं, और यहां से अभी थोड़ा ऊपर और जाना है क्योंकि ये मंदिर काफी ऊंचाई पर है।
तो यहाँ पर थोड़ा सा और ऊपर आने के बाद हमें एक छोटा सा मंदिर देखने को मिला है, और उसके ठीक सामने आप नजर डालेंगे तो आपको काफी खूबसूरत और हरा भरा नजारा दिखाई देगा। यहाँ से अभी थोड़ा और ऊपर जाना है और सामने जो चट्टान आप देख रहे हैं इसी के ऊपर एक मंदिर मौजूद है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं वहां पर और क्या क्या हमें मिलने वाला है। तो उस चट्टान के नजदीक पहुंचने के बाद यहाँ पर एक पुरुष के सर के आकार की एक मूर्ति है जो कि प्राचीन हो सकती है या फिर इस गांव के किसी निवासी के द्वारा यहाँ पर रखी हुई हो सकती है। और जैसा कि आप देख सकते हैं काफी बड़ी चट्टान है ये, जिसके अंदर से ये सुरंग नुमा रास्ता बनाया गया है ऊपर की तरफ जाने के लिए। और वहीं यहाँ पर किसी औजार की मदद से पत्थरों पर अलग अलग आकृति बनाई गई है जो यहाँ की चट्टानों पर साफ देखी जा सकती है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जो शेल्टर हमें नीचे से दिखाई दिया था वहां जाकर देखते हैं और क्या क्या मिलने वाला है। और आपको बता दें यहाँ तक पहुंचने का कोई प्रॉपर रास्ता नहीं है, जिस तरह से हम लोग मिर्चा गांव में गए थे जहाँ हमें शैल चित्र देखने को मिले थे, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी हमें खुद अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ना है। ये देखिए यहाँ ऊपर की तरफ कुछ शैल चित्र दिखाई दे रहे हैं जिनमें जानवरों की आकृति बनी हुई है। तो यहाँ से थोड़ा ऊपर की तरफ चलते हैं और थोड़ा नजदीक से जाकर देखते हैं वहां पर और क्या क्या मिल सकता है। तो कुछ इस तरह के बड़े बड़े पत्थरों को पार करके ऊपर की तरफ जाना है, और यहाँ ऊपर आने के बाद एक बड़ा चबूतरा देखने को मिला है जो कि शायद बाद में बनाया गया है। और वहीं उसके सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी सारी अलग अलग आकृतियों में रॉक पेंटिंग्स यानी कि शैल चित्र बने हुए हैं जो कि बिल्कुल साफ देखे जा सकते हैं, जिनमें से एक ये बड़ी सी रंगोली जैसा कुछ यहाँ पर दर्शाया गया है। ये देखिए यहाँ पर भी कुछ अलग अलग आकृति बनी हुई है जिनमें कुछ जानवरों की नकल की गई है, और वहीं ये शायद इंसान की आकृति बनाई गई है। और उसी के ठीक ऊपर यहाँ पर किसी देवी देवता की आकृति बनाई गई है जिनमें ये देवी देवता सर पर मुकुट और हाथों में हथियार लिए नजर आ रहे हैं। ऐसा बताया जाता है कि इस जगह पर जिन चित्रों को दर्शाया गया है वे चित्र वृष्णी कुल से संबंध रखने वाले देवी देवताओं का सबसे पहला भारतीय चित्रण माना जाता है। पत्थरों पर बने ये चित्र दूसरी तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, जिसका अनुमान इसके साथ लगे ब्राह्मी शिलालेख के पुरालेख पर आधारित है। माना जाता है कि इन पत्थरों पर बने इन चित्रों में दिखाए गए देवी देवता बलराम, वासुदेव और देवी एकनामशा हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी सारी मात्रा में अलग अलग आकृतियां यहाँ की दीवारों पर पत्थरों पर बनाई गई हैं। तो दोस्तों आज हम जिस जगह पर आए हुए हैं ये काफी ऐतिहासिक जगह है, और भगवत पुराण में भी इस जगह का उल्लेख किया गया है। भगवत पुराण में जिन देवी देवताओं को दर्शाया गया है उनसे जुड़े कुछ चित्रण यहाँ पर, यहाँ के जो चट्टान है, जो पत्थर है, उन पर जो उस टाइम के शैल चित्र है वो यहाँ पर देखने को मिले हैं जो कि बिल्कुल साफ देखे जा सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह का बड़ा सा शेल्टर है जिसके अंदर काफी सारी मात्रा में शैल चित्र मौजूद हैं। और अब बढ़ते हैं थोड़ा और ऊपर की तरफ और वहां जाकर देखते हैं और क्या देखने को मिल सकता है। ये इस तरह का रास्ता है जहाँ से होते हुए हम ऊपर आए हैं, और यहाँ पर भी शायद कुछ चीजें हमें देखने को मिल सकती है।
ये देखिए, यहाँ पर भी शायद कुछ देखने को मिला है जैसा कि हमारे डेविड भाई बता रहे हैं। और यहाँ से आप सामने का नजारा देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, चारों तरफ हरियाली है। और वहीं यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बड़ी सी चट्टान के नीचे काफी बड़ा चक्र बना हुआ है जो किसी चक्रव्यूह के समान दिखाई देता है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं थोड़ा और आगे और इस पहाड़ी के सबसे ऊपर जो मंदिर बना हुआ है वहां जाकर देखते हैं कि वो मंदिर किस देवी या देवता को समर्पित है और वहां पर क्या कुछ खास हमें मिलने वाला है। तो यहां पर आने के बाद हमें दो बेंचेस देखने को मिली हैं यहां पर आने वाले श्रद्धालुओं के बैठने के लिए, और वहीं बीच में एक छोटा सा हवन भी यहां पर बना हुआ है और उसी के ठीक सामने ये एक मंदिर यहां पर बना हुआ है। तो बढ़ते हैं मंदिर की तरफ और जाकर देखते हैं कि ये मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है। यहाँ मंदिर के बाहर काफी सारे झंडे लगे हुए हैं और उसी के सामने ये है मंदिर का मेन गेट और उसके ठीक ऊपर जय माँ शेरावाली। तो शेरावाली माता को यह मंदिर समर्पित है। तो इसके अंदर चलकर देखते हैं किस तरह की प्रतिमा यहाँ पर मौजूद है। तो ये देखिए, यहाँ पर दो देवियों की प्रतिमा इस मंदिर के अंदर मौजूद है जो कि देखने में काफी प्राचीन लगती है। और यहाँ पर काफी सारे घंटे भी लगे हुए हैं और वहीं इस मंदिर की दीवार पर एक काफी प्राचीन शिला रखी हुई है जिस पर किसी देवी या देवता की आकृति बनी हुई है। मंदिर के बाहर आने के बाद इस ऊंचाई से यहाँ के आसपास का नजारा देखने में बेहद खूबसूरत लगता है। वहां सामने जो नदी आप देख रहे हैं वो है पार्वती नदी, जो आगे जाकर एक विशाल झरने का रूप लेती है जिसे सुल्तानगढ़ वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है, जो कि शिवपुरी जिले में पड़ता है और ये वाटरफॉल बहुत ही खूबसूरत है। तो काफी खूबसूरत जगह थी जहाँ पर आज हम लोग आए हुए हैं और इस जगह के बारे में जो भी जानकारी थी वो हमने आपको बताई वीडियो के माध्यम से। आप भी अगर इस जगह के बारे में कुछ जानते हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में फिर किसी नए जगह के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।